ठीक है, सब लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हम सब लोग लाइव है, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? हम सब लाइव हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ग्रुप डी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर होंगे, वो जो 20 क्वेश्चन का जीटे जी ऐसा ना है। उन 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बीच बीच में जो हमारी अभी तक करंट अफेयर चल रही ना, उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराऊंगा। तो आज मैं आपके साथ टॉप 50 करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं, टॉप 50। और जो टॉप 50 करंट अफेयर होंगे वो दो चीजों पर हैं, दो चीजों में से ध्यान रखना। जो पहली चीज है वो है तुम्हारी नई नियुक्तियां, क्योंकि नई नियुक्तियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा है तुम्हारा कह सकते हो चर्चित अवार्ड। ओके, तो इन दो चीजों को मिलाकर मैंने टॉप 50 क्वेश्चन बनाए हैं, और यही टॉप 50 क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस क्लास को प्रॉपर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसको नोट करने का तरीका है पॉइंट वाइज, मतलब पहला पॉइंट आंसर, पहला पॉइंट आंसर। ओके, तो सब लोग पहले एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सब लोग आवाज क्लियर है, पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। एक बार इशारा कर दो, थम्स अप कर दो जल्दी से। उससे पहले मैं आपकी एक और बात बता दूं कि ग्रुप डी की तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अनुराग सर और मैं दोनों अपना अपना सब्जेक्ट, यानी 25 क्वेश्चन मैथ और 45 क्वेश्चन जीके और साइंस को मिलाकर 70 क्वेश्चन का आज आपके साथ क्विज, एक प्रकार का क्विज डिस्कस करेंगे। ये क्विज बिल्कुल ठीक उसी जैसा होगा जैसे कि कह सकते हो ग्रुप डी का पेपर, मतलब पहला क्वेश्चन हो सकता है मैथ का मिले तो दूसरा तीसरा जीके जीएस का मिल जाए, पांचवा साइंस का मिल जाए, सातवां मैथ का मिल जाए, आठवां मैथ का मिल जाए। तो जब इन भाई साहब की बारी होगी तब ये भाई साहब आएंगे, और जब मेरी बारी होगी तो तब खरा। इसकी टाइमिंग आज शाम 5 बजे, तो शाम 5 बजे मेरे साथ मिलिएगा और बड़ा मजा आएगा, देखिएगा। इतना ज्यादा आनंद आने वाला है इस लेक्चर में कि वाकई में आप लोगों का बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा। ओके, चलिए फिर तो थम्स अप कर दीजिए भाई, पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। जल्दी से मुझे बता दो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, है ना। तो ये लीजिए, इसकी टाइमिंग शाम के 5 बजे हैं, तो आज शाम 5 बजे मिलिएगा इसके साथ, ठीक। चलो, तो पहला क्वेश्चन आज का जल्दी से देखिए। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको कम से कम 10 सेकेंड का समय जरूर दूंगा आंसर देने का। जो भी आपको आंसर देना है बच्चा, वो पहले का ए, पहले का बी या पहले का सी, इस तरह से, या फिर नाम लिख के भी दे सकते हो। ओके, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत की 23 महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? अच्छा, अगर बात शतरंज की है तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना जरूर याद रखना। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, और याद रखना इसके अध्यक्ष का नाम बहुत पूछा जाएगा, संजय कपूर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का कोई मुख्यालय पूछे तो तुम्हें चेन्नई बताना है। अब देखिए, यहां पर तुमसे 22वीं और 23वीं महिला ग्रांड मास्टर बहुत पूछेगा। तो 22वीं महिला ग्रांड मास्टर का नाम था दिव्या देशमुख, जबकि 23वीं जो पूछा गया है ये प्रियंका नुटट्टी। बोलो बच्चा, बात सब क्लियर है ना। पुरुष में भी याद रखिए, पुरुष में अभी 74 नंबर के ग्रांड मास्टर बने हैं, जिनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। तो ध्यान रखना, राहुल जो श्रीवास्तव है ये पुरुष में कह सकते हो 24 नंबर के ग्रांड मास्टर है। बोलो बच्चा, क्लियर है ना। और 73 भी याद रखिए, 73 नंबर के हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, इतने नाम तुम्हें याद रखने। फिलहाल इसका आंसर जाएगा प्रियंका नोटक्की के साथ, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ा जाए ना बच्चा, नोटिफिकेशन आई होगी। अब नोटिफिकेशन आना ना आना, ये पूरा का पूरा बच्चा यूट्यूब के हाथ में रहता है, ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है, है ना। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है ये बात, आप जाते देखिए ना एक बार, है ना। नवल कुमार बताइए, अगला क्वेश्चन है ISSF, बताइए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। सवाल ये है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो 2022 हुआ है, अभी बताओ 2022 हुआ कहां है? तो कह देना इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 2022 मिस्र में हुआ। भारत दारकना शूटिंग के मामले में बहुत आगे नंबर पे है, तो इसमें जो शीर्ष पे रहा है, पहले नंबर पे रहा है, वो भारत ही रहा है। भारत के दारकने जो मेडल जीते हैं वो 421 मेडल जीते हैं। बोलो बच्चा, बात सबको क्लियर है ना। इसमें 4 तुम्हारे गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, तो टोटल भारत ने 7 मेडल जीते हैं, और भारत ही दारकना शूटिंग फेडरेशन में पहले नंबर पे आया है भारत। ओके,
जबकि अगर बात नॉर्वे की करते हैं तो नॉर्वे दरअसल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में दूसरे नंबर पे आया है। और यह प्रतियोगिता कहां पर हुई है तो 2022 की प्रतियोगिता दरअसल मिस्र में हुई है, काहिरा में हुई है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021-22 में किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े एक बार सब लोग लाइक वाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले दबा के एक बार शेयर करो फटाफट से। तो याद रखना ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 है ये कहां पर हुए है? कहना ये बैंगलोर में हुए है। कहां पर हुए? बैंगलोर में। इसमें पहला गोल्ड मेडल जीता है कोमल कोहरे ने, कोमल कोहरे ने जीता है। ये एक वेट लिफ्टर है बच्चा, ये क्या है तो कह देना ये वेट लिफ्टर है। और इसने ये गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल जीता है 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहला गोल्ड मेडल जीता है कोमल कोहरे ने। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 जल्दी बताइए ये किसने जीता है? इसका आंसर दीजिए, बताओ मिसेज वर्ल्ड 2022 का आपको आंसर देता। अरा तो अगर आपको याद हो तो हरनाश संधु को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, बिल्कुल। और मिस यूनिवर्स का खिताब ये 2021 में, जबकि मिसेज मतलब किसी भी महिला, तो ये जीता है साइलिन फोर्ड ने। ये अमेरिका की महिला है, यूएसए की महिला है। तो मिसेज वर्ल्ड ऑफ द ईयर का या वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है साइलिन फोर्ड, अमेरिका की महिला है। ऑप्शन नंबर डी, ओके। अशोक कुमार, नितेश, मोनू, नितेश, वेरी गुड। थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर करो बच्चा, जल्दी से दबा के शेयर कीजिए। बताइए इस सवाल का जल्दी से मुझे आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑस्कर अवार्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांचवा, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अच्छा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाता, तो तुम्हें बताना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कोडा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? तो इसका अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। किसको मिला है? विल स्मिथ को। इनकी इनकी पिक्चर का नाम भी पूछ सकता है, किस पिक्चर के लिए मिला है? तो इनको मिला है किंग रिचर्ड मूवी के लिए, किंग रिचर्ड मूवी के लिए मिला है, ओके। ले बेस्ट मूवी का खिताब किसे मिला है? तो कहना बेस्ट मूवी का खिताब मिला है कोडा को। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल स्मिथ के साथ। ये लीजिए बहुत सही क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मैं देखता हूं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। राहुल, देवेन, नवल कुमार यादव, आकाश कुमार, राकेश, वेरी गुड। थोड़ा कमेंट फास्ट कीजिए, मई 2022 में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, ओके। तो जो 2022 टाइम्स बिजनेस अवार्ड दिया है ये मिला है रश्मि साहू को। रश्मि साहू उड़ीसा की रहने वाली महिला है और इसने अपने बिजनेस को, ये खाद्य पदार्थ का बिजनेस करती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, रश्मि साहू उड़ीसा की महिला है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर जाएगा, ओके। मनीष कुमार, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं करंट अफेयर को टॉपिक वाइज ही पूरा पढ़ा दूं, है ना, ओके। पूरी कोशिश है, बस मेरी ऊपर बात चल रही है, एक बार डिस्कशन कंप्लीट हो जाए तो अगले 20-25 दिनों में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को ग्रुप डी के लिए ही पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी उपन्यास रेत समाधि, रेत समाधि भी तुम्हें याद रखिए, और इसी रुंडली से बोला जाता है टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बताइए किसे मिला, ओके। तो ध्यान रखना जब भी कभी अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड की बात की जाएगी तो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड जिस भारतीय को मिला था उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल को 1937 में पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला था, ओके। अब सवाल यह है कि जल्दी सॉरी गोविंद बिहारी लाल को तो पुलिस्टर अवार्ड मिला था, सॉरी उल्टा हो गया, वो पुलिस्टर में जाएगा। ये जो रेत की समाधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है ये मिला है गीतांजलि श्री को, ये मिला है तुम्हारा गीतांजलि श्री को, ओके। गोविंद बिहारी लाल अभी 1937 में आगे आएगा तो इसका आंसर जाएगा गीतांजलि के साथ। बोलो बच्चा बात सब क्लियर है ना? अब आगे बात सुनो, इसकी स्थापना 2005 में हुई है, 2015 के बाद या 2015 तक यह दिया जाता था दो वर्षों में एक बार, लेकिन दारकना 2015 के बाद से यह अवार्ड पूरा एक वर्ष ही हो गया, यानी एक वर्ष में एक बार है, एक वर्ष में एक बार, ओके।
तो अंतरराष्ट्रीय बुटर अवार्ड की शुरुआत 2005 में हुई थी, 2005 से 2015 में द्विवर्षीय था, यानी दो वर्ष में एक बार, अब देता है एक वर्ष में एक बार। आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ ये लीजिए, ये पुलिस्टर अवार्ड। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर दीजिए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बताइए जल्दी से बताओ। मई 2022 में लोक सेवा के लिए किसे पुलिस्टर अवार्ड दिया गया? पहले मैं आपको बता दूं, पुलिस्टर जो अवार्ड है ना, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कहना पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में होती है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ पुलिस्टर, तो जोसेफ पुलिस्टर के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है 1917 से। और इसे देता कौन है? तो बच्चा इसे देता है अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। ओके, अब बात सुनो, सबसे पहला जो पुलिस्टर अवार्ड मिला था, जिस भारतीय को मिला था, उनका नाम था 1937 में गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल को मिला था। लेकिन 2022 में जो पुलिस्टर अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है बच्चा द वाशिंगटन पोस्ट को, द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है 2022 में पुलिस्टर अवार्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा ए के साथ, बताइए बात सब क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से बताइए, ये लीजिए, इसे बोला जाता है, इसे एक और नाम से जानते हैं, व्हिटले गोल्ड अवार्ड, इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। पता है ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये अवार्ड उस क्षेत्र में दिया जाता है कि जहां पर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जब काम किया जाता है तब बच्चा दिया जाता है तुम्हारा, ध्यान रखना नाम क्या है इसका, व्हिटले गोल्ड अवार्ड। ओके, इसी को ग्रीन पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन ऑस्कर। सर ये ऑस्कर, ये अवार्ड देती कौन है? तो कह देना ये अवार्ड देती है ब्रिटेन, ब्रिटेन। अब ये मिला किसे है? तो 2022 में जो अवार्ड मिला है, व्हिटले गोल्ड अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, ये मिला है भारत की चारुदत्त मिश्रा को, भारत की चारुदत्त मिश्रा के साथ नाम जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का आंसर सही हो जाएगा। हाँ यस, राहुल शशिकांत संतोष ढूढे श्रीकांत दुबे, वेरी गुड, सही है, मेरे बताने के बाद सही आया है ज्यादातर लोगों का। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर सब लोग देंगे और बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए, आज पाठशाला ऐप पर 55 नंबर आया सर टेस्ट पर। अच्छा, सब लोगों ने मॉक टेस्ट दिया कि नहीं दिया? फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है माई पाठशाला एप्लीकेशन पे। ओके, फ्री मॉक टेस्ट है, जाके दीजिए, लेवल और स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। आप चाहे एक बार चेक कर लो, जिन लोगों ने दिया है एक बार नंबर शेयर कर दो और ये बताइए कि स्टैंडर्ड कैसा था। ठीक है, बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय को पूछे तो न्यू दिल्ली में। ओके, और सुनिए, इसके दोबारा से जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है विजय सांपला, विजय सांपला दोबारा से इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर होगा, बिल्कुल सलमान म्यूजिक एकदम सही है। ओके, चलो आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए ये लीजिए, अभी 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 बहुत सारे राज्यों के मुख्य सचिव चेंज हो चुके, इधर उधर चले गए, जैसे पुडुचेरी के राजीव वर्मा हो चुके हैं, दिल्ली के नरेश कुमार हो चुके हैं, ओके, आंध्र प्रदेश के सॉरी अरुणाचल प्रदेश के धर्मेंद्र हो चुके हैं, ऐसे याद कर लो। अब इन्होंने पूछा है दिल्ली के नए मुख्य सचिव बताइए, तो याद रखना दिल्ली के नए मुख्य सचिव जो बन चुके हैं उनका नाम है नरेश कुमार, हरे दो तीन राज्यों के चेंज हुए अभी। अच्छा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बहुत पूछे जाते हैं, हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का नाम क्या है, तो कह देना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का नाम है राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना। बोलो बच्चा क्लियर है ना, तो आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा इसका बी के साथ। अब पुडुचेरी के, जल्दी से मुझे बताइए पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव का नाम बताइए, दो तीन चेंज हुए, एक और याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं धर्मेंद्र, ध्यान रखना। लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बताइए, तो पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव है बच्चा राजीव वर्मा, राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव है ना। पुडुचेरी, हमेशा मैं बताता हूं पुडुचेरी के कितने जिले हैं, तो कहना पुडुचेरी के चार जिले हैं, कितने राज्यों में फैले हैं, कहना तीन राज्यों में फैले हैं। अब जल्दी बताइए पुडुचेरी के क्षेत्र का जो हाईकोर्ट है वो कौन सा हाईकोर्ट लगता है,
तो कहना पुडुचेरी के क्षेत्र का हाईकोर्ट है मद्रास हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट है? मद्रास हाईकोर्ट है। ये सब बातें रट लेना बच्चा। अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें फ्री मॉक टेस्ट में जाइए, नीचे नीचे लिखा होगा मॉक टेस्ट, ओके। और नहीं अगर आप देख पा रहे हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 9396887746, इस पर कॉल कीजिए, वो आपको दिखाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी। सर यूपीएससी के नए अध्यक्ष बताइए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी की जब भी कभी बात करना तो यूपीएससी बताइए किस अनुच्छेद में आता है। कहना अनुच्छेद नंबर 315। स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1926 में। मुख्यालय कहां है? कहना न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष अभी तक थे प्रदीप जोशी, लेकिन अब है धारकना मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते कौन है? कहना इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ओके। तो ये यूपीएससी के बारे में जरूर याद रखना, मनोज सोनी इसका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ सीबीएसई के नए अध्यक्ष का फटाफट जल्दी से मुझे नाम बताइए, बताइए अभी अभी। सीबीएसई जब भी कभी बात पूछा जाए कि बताइए सीबीएसई की स्थापना कब हुई, 1929, मुख्यालय कहां है, न्यू दिल्ली। अभी इससे पहले इसके अध्यक्ष थे विनीत जोशी, लगभग 2-3 महीनों के लिए बने रहे विनीत जोशी, लेकिन विनीत जोशी अब हट चुके हैं। सीबीएसई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है निधि छिब्बर, सीबीएसई की पहली महिला अध्यक्ष निधि छिब्बर, ओके। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, निधि छिब्बर के साथ। ये लीजिए कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां भी समझिए, कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां भी समझिए। सोमालिया के बताइए, सोमालिया के नए राष्ट्रपति का फटाफट जल्दी से मुझे नाम बताइए क्या है, है ना। पहले सोमालिया की राजधानी हमेशा याद रखिएगा, मोगादिस, मोगादिस, ये सर सोमालिया की राजधानी है। अच्छा तुमने ग्रेबियल बोरेट का नाम बहुत सुना होगा, मुझे पता है कुछ लोग आंसर देंगे। बच्चा ये चिली देश के राष्ट्रपति है, चिली देश के राष्ट्रपति है ग्रेबियल बोरेट, इसलिए याद कर ले। सोमालिया के राष्ट्रपति है हसन शेख, हसन शेख सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन नंबर ए हसन शेख, ओके। क्या बात है, थोड़ा एक बार दबा के सब लोग शेयर करो जल्दी से, 200 का भी आंकड़ा क्रॉस हो जाए। बताइए एयर इंडिया, इंडिको, ये सब ऐसे क्वेश्चन है, एयर इंडिया हो गया, इंडिको हो गया, बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो पहले मैं एयर इंडिया को समझा देता हूं कि बताइए एयर इंडिया की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कहना एयर इंडिया की स्थापना 1932 में मुंबई में हुई थी, स्थापना बच्चा मुंबई में हुई थी 1932। ले एयर इंडिया का कोई पूछे कि हेड क्वार्टर कहां पर है, तो कहना एयर इंडिया का हेड क्वार्टर है दिल्ली में, दिल्ली में। अब इसके एमडी और सीईओ का नाम सुनिए, एयर इंडिया के नए एमडी और नए सीईओ है कैंपबेल विल्सन, कैंपबेल विल्सन इसके नए एमडी और नए सीईओ हैं, बोलो भैया। हाँ, एसएससी के एस किशोर, एकदम सही है। चलिए तो विल्सन के साथ आंसर जाएगा। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन ये लीजिए, पहले त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बिप्लव देब हट चुके हैं, इस बात को याद रखना। त्रिपुरा के बिप्लव देब त्रिपुरा के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है माणिक शाह। तो माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है, वो भी किस नंबर के मुख्यमंत्री है, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है, ऑप्शन नंबर ए के साथ बी के साथ आंसर जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, ये तो पता ही होना चाहिए, उत्तराखंड, ओके। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, माणिक शाह, याद रखना। लीजिए इंडिगो, एयर इंडिया और इंडिगो में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब इंडिगो एयरलाइंस है, तो जब भी कभी पूछा जाए कि इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में, उसकी 1932 में हुई थी। और इंडिगो का मुख्यालय कोई पूछे तो आपको बताना है गुरुग्राम। अब जल्दी से बताइए इसके सीईओ किसको बनाया गया है, फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। एंडी जैसी नहीं हो सकता, ये तो उधर चला जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा पीटर एल्बर्स के साथ। पीटर एल्बर्स जो है ये इंडिगो के नए सीईओ है, पीटर एल्बर्स। तो 18वें का ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये लीजिए इन्फोसिस भारतीय कंपनी, बताइए जल्दी से इन्फोसिस। अगर जब भी कभी तुमसे पूछा जाए कि बताइए सर इन्फोसिस की स्थापना कब हुई, तो कहना 1981 में। और इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, कह देना बेंगलुरु में, बेंगलुरु में।
और इसके नए एमडी और नए सीईओ का नाम बताइए क्या है। तो इंफोसिस तो याद रहेगा ना, इंफोसिस है बच्चा सालिर परेट, सालिर परेट ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए, फटाफट पढ़िए, थोड़ा एक बार कमेंट करो, फास्ट करो भाई, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर कीजिए। अरे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। और पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री जो बने हैं सर, उनका नाम है शहबाज शरीफ, ठीक है। ये किस पार्टी से है, तो कहना शहबाज शरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से शहबाज शरीफ, 23वें नंबर के हैं। और मजे की बात पता है क्या है, कि पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों में से कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो, कार्यकाल पूरा किया हो, कार नहीं कार्यकाल पूरा किया हो, कोई भी नहीं। यानी हर एक प्रधानमंत्री 5 वर्ष से पहले ही हट गया या तो हटा दिया गया, यह रिकॉर्ड रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होना चाहिए। इसी इंफोसिस में, हाँ मनीष कुमार तुम्हें पता है, एकदम सही कह रहा, तुम इसी में काम करते हो। नीति आयोग के बताइए नए उपाध्यक्ष का नाम बताइए। देखो जब भी कभी बात नीति आयोग की आएगी तो कह देना नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी, और इसी का नया नाम पड़ दिया नीति आयोग, कब पड़ा है, 1 जनवरी 2015 को। इसके अभी तक अध्यक्ष थे राजीव कुमार, लेकिन नए अध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। अरे और तुमसे एक बार हमेशा पूछा जाता है नीति का पूरा नाम क्या है, तो कहना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलो तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, सॉरी डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्बिया के राष्ट्रपति का नाम बताइए जल्दी से, सर्बिया के फटाफट राष्ट्रपति का नाम बताइए। मैं देखता हूं इस बार तुम लोग का अंदाजा तुक्का क्या होता है। अरे यार थोड़ा सा एक बार लाइट वाइट कर दीजिए, दबा के शेयर करो, पहले जल्दी से 200 का आंकड़ा भी क्रॉस हो जाए। बताइए जल्दी से सर्बिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, सर्बिया की राजधानी बहुत पूछी जाएगी, तो कह देना सर्बिया की जो कैपिटल है उसका नाम है बेलग्रेड। ओके अब सुनो, सर्बिया के अगर राष्ट्रपति पूछे जा रहा है तो आपको आंसर देना है अलेक्जेंडर वुसिक, अलेक्जेंडर वुसिक सर्बिया के राष्ट्रपति है। नोवाक जोकोविच का नाम सुना है, हाँ टेनिस वाला वही है, सर्बिया से है। लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है एक आंसर में कंफ्यूजन हो गए, विक्टर ऑर्बन, मैं आपको बता दूं ये हंगरी के जो है प्रधानमंत्री है, हंगरी के प्रधानमंत्री का नाम है विक्टर ऑर्बन, इंपॉर्टेंट है। और हंगरी की दारकना राष्ट्रपति जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, हरा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैटलिन नोवाक, कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नोवाक। ओके तो कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, जबकि प्रधानमंत्री नाम है विक्टर ऑर्बन। सवाल में सर्बिया पूछा गया था अलेक्जेंडर वुसिक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए नास्कॉम, नास्कॉम का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए बच्चा। तो नास्कॉम में एनए, एनएस हो जाता है, एन हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, कंपनी पूरा ये है। ओके अब जल्दी बताइए नास्कॉम की स्थापना कब हुई, तो कहना नास्कॉम की स्थापना हुई थी बच्चा 1988 में। मुख्यालय कोई पूछे तो कह देना न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं नास्कॉम के, याद रखिएगा सर ना, अरे धन्यवाद बच्चा, कृष्णा रामानुजन, कृष्णा रामानुजन जो है ये नास्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बताइए। देखो उत्तरी कोरिया के तो वही है किम जोंग, वो कभी हटेगा ही नहीं, लेकिन यहां बात दक्षिण कोरिया की है। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यून सुक। देखो की वर्ड याद करिए, दक्षिण कोरिया के यून सुक, एक बार बोलो मेरे साथ यून सुक। तो यून सुक इसका क्या आंसर जाएगा, हालांकि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो 38 डिग्री अक्षांश रेखा सीमा रेखा बनाती है, इस बात को याद रखिएगा।
तो यूनसुट दक्षिण कोरिया, ये लीजिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए कौन बन चुके हैं, फटाफट इसका आंसर दो बताइए। आकाश कुमार वेरी गुड, दिव्यांशु आर्या विहार, मनीष कुमार मिथुन आर्या प्लेटफॉर्म वेरी गुड, शिव प्रशांत अरे यार मजा आ रही होते पर दबा के पहले शेयर करो 300 प्लस हो जाए, फटाफट एक बार शेयर कीजिए। बताइए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए, तो कहना चुनाव आयोग की पहले मुझे बताइए स्थापना कब हुई, तो कहना चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ओके इसीलिए देखो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस 25 जनवरी को। अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुशील चंद्र, लेकिन सुशील चंद्र के रिटायरमेंट हो जाने के बाद राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ओके अच्छा कोई पूछे चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है, तो कहना अनुच्छेद नंबर 324। बताइए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सबसे पहले चुनाव आयोग का नाम बताइए, सबसे पुराने चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन, है ना। पहली महिला चुनाव आयुक्त तो बताइए रमा देवी। ओके चलो बताओ WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं, है ना। बात यार WHO की है तो ध्यान रखना WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 हुई थी बच्चा। इसका मुख्यालय कहाँ है, कहना जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके दोबारा से नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है टेड्रोस, सिर्फ टेड्रोस याद करो, फालतू का समय नहीं है मेरे पास कि मैं टेड्रोस एट होम याद करूं, अरे टेड्रोस याद कर लो काम करता। तो टेड्रोस WHO के दोबारा से ध्यान रखिएगा हमारे अध्यक्ष बने हैं महानिदेशक डायरेक्टर जनरल। ये लीजिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है हम लोग रोट लिए। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करिए तो कहना इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय कोई पूछे हेडक्वार्टर तो कहना लुसाने में है, लुसाने पड़ता कहां है सर, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी नई अध्यक्ष समिति की नई अध्यक्ष बनी है लवलीना, ये भारत से बिलोंग करती है, तो ध्यान रखना भारत के ये असम राज्य से बिलोंग करती है लवलीना, और पता है ये क्या है तो कह देना लवलीना एक मुक्केबाज है, मुक्केबाज है। अब मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे अभी जब ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इनको एक मेडल मिला था गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में से कौन सा मेडल मिला था, मुझे कमेंट करके सब लोग बताएंगे लवलीना को। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नए सलाहकार बताइए कौन बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जल्दी से बताइए नए सलाहकार कौन बनाए गए हैं। हाँ लवलीना मुक्केबाज है इस बात को याद रखिएगा, बताइए। तो मोदी जी के सर नए सलाहकार की बात हो रही है कि बताइए मोदी जी के नए सलाहकार ब्रॉन्ज मेडल, बिल्कुल एकदम सही बता रहे, तो आंसर जाएगा तुम्हारा तरुण कुमार के साथ, तरुण कुमार ध्यान रखना प्रधानमंत्री के नए सलाहकार है। ओके तो आंसर जाएगा बिल्कुल एकदम मनीष कुमार तुम्हारा भी सही है। तो लवलीना को ध्यान रखना कौन सा मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था, इस बात को याद रखिएगा मुक्केबाज है। अगला क्वेश्चन देखिए ये लीजिए, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार जिसका नाम है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, पूछा भी जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बताइए, आपको बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना तो एक नहीं दसियों बार पूछी रही है एग्जाम में, दसियों बार पूछी रही है, इसकी स्थापना 1875। ओके अब इसके नए अध्यक्ष सुनिए कौन बने, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं SS मुंद्रा, SS मुद्रा नहीं है मुंद्रा है, हाँ मुंद्रा है मुद्रा ने कहना। ओके बताइए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 ये लीजिए, श्रीलंका का भी क्वेश्चन आ चुका है, बड़े ध्यान से सुनना, आपको पता है श्रीलंका में अभी वित्तीय आपातकाल लगा था, तो अभी श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था महिंद्रा राजपक्षे, इनका इस्तीफा हुआ, इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है विक्रम सिंघे जो प्रधानमंत्री बने हैं इनकी नियुक्ति की थी श्रीलंका के राष्ट्रपति, और श्रीलंका के राष्ट्रपति का जो नाम है
राष्ट्रपति का जो नाम है वो है गोतबाया राष्ट्रपक्षे। ओके, इसमें तुम्हें पूरा नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका में जितने भी लोग है ज्यादातर वो उसमें राष्ट्रपक्षे जरूर निठाई देगा। तो गोतबाया राष्ट्रपक्षे प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री अगर कोई पूछे तो आपको बताना है विक्रम सिंघे। ये श्रीलंका के बारे में बोल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए संयुक्त अरब अमीरात UAE की बात कर रहा है, जल्दी से मुझे सब लोग बताएंगे पहले UAE की राजधानी क्या है। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो UAE की राजधानी कभी भी तुम्हें दुबई नहीं बतानी, तो UAE की राजधानी अबू धाबी है। दुबई और अबू धाबी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो UAE के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद। मोहम्मद बिन जायद ये तुम्हारे UAE के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बताइए। देखो फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा है, बात को समझिएगा। लेकिन फ्रांस की राष्ट्रपति वो अभी भी वही है इमैनुअल। है ना, तो इमैनुअल जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। लेकिन फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इसका आंसर जाएगा एलिजाबेथ बोर्न के साथ। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है, बोलो बच्चा। और ये 102 नंबर की है। अच्छा, कैथरीन रसेल ये कोई देश वेश की प्रधानमंत्री मंत्री नहीं है, फिर भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कैथरीन रसेल का। पता है क्यों? क्योंकि ये है नासा की साइंटिस्ट और यही वो महिला है जो अंतरिक्ष के सबसे ऊंचे बिंदु और जमीन के सबसे गहरे बिंदु, जिसको आप बोलते हो वो ठाई कौन सी है, प्रशांत महासागर, मेरियाना ट्रेंच, उस पर समय बिता के आई है ये महिला। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, जल्दी बताइए बच्चा। ये पुरानी ही है, बहुत ज्यादा नई नहीं है, बात समझे ना। अब जो चीज देखो करंट अफेयर 2021 की वो पूछता है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, आप समझिए ना बात को। ले जो चेंज हो जाता है वो कभी भी 2021 की नहीं पूछेगा, डेफिनेटली। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री का नाम जल्दी से मुझे बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बताओ जल्दी से फटाफट। थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर भी करते रहिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर करते रहो, मैं नाम भी पढ़ रहा हूं सबका। बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इन्होंने प्रधानमंत्री का नाम पूछा हुआ है, बताओ। ओके, तो सुनो बड़े ध्यान से, ये जो एंथनी है, एंथनी ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोरिक भी आंसर दिया, बच्चा ये चिली के राष्ट्रपति है, चिली के राष्ट्रपति है। और पैट्रिक ओची का नाम भी बहुत सुना होगा, जो तुम्हारा आइवरी कोस्टा है, आइवरी कोस्टा ये उसके प्रधानमंत्री हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने पूछे तो आंसर जाएगा एंथनी के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव जल्दी से बताइए कौन बने। मैंने सचिव से पहले अभी आप लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में एक और चीज बताई थी कि बताइए निजी सलाहकार कौन बने हैं। तो सलाहकार बने हैं तरुण कुमार, लेकिन सवाल में बोला जा रहा है निजी सचिव, बताइए जल्दी से निजी सचिव कौन बने हैं, फटाफट बताइए। तो निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार। लेकिन अगर सलाहकार पूछे जाते कौन बने हैं तो तुम्हें बताना है तरुण कुमार। दोनों में बच्चा अंतर है 34। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, जल्दी से बताइए इसका टाइट उत्तर क्या होना चाहिए। थोड़ा एक बार लाइट वाइट कर दीजिए, कितने दिन तक चलेगा करंट अफेयर। मेरी उम्मीद यह है कि मैं हर तरह के टॉपिक को यहां पर रिवीजन करा दूंगा। हरा थोड़ा एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए भारतीय थल सेना, अच्छा थल सेना से हमेशा उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं, सुनो बड़े ध्यान से। अगर थल सेना के तुमसे अध्यक्ष पूछे जाए तो तुम्हें एक नाम बताना है मनोज पांडे। मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष है। लेकिन थल सेना के उपाध्यक्ष पूछे गए हैं तो आंसर जाएगा VS राजू के साथ। BS राजू थल सेना के उपाध्यक्ष है, BS राजू का नाम याद रख लिया, बोलो बच्चा। बात सबको क्लियर है ना, तो कंफ्यूजन मत होना। और थल सेना दिवस कोई पूछे कब मनाया जाता है तो कहना थल सेना दिवस मनाया जाता है सर 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय वायुसेना के, सेम चीज यहां पर भी है, इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक बताइए कौन बनाए गए हैं। ओके, अब इंडियन एयरफोर्स का अगर पूछा जाता नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो है वीआर चौधरी। वीआर चौधरी इंडियन एयरफोर्स के नए अध्यक्ष हैं। लेकिन इन्होंने महानिदेशक पूछे, डायरेक्टर जनरल पूछे, तो इंडियन एयरफोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए संजीव कपूर। तो अध्यक्ष अलग है बच्चा, डायरेक्टर जनरल अलग है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना दरअसल ये स्थापना हुई थी शायद 8 अगस्त 1932 में, 8 अक्टूबर को बनाया जाता है ना एयरफोर्स डे। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, संजीव कपूर के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए सीजीए बताइए जल्दी से कौन बने हैं, नए महालेखा नियंत्रक। अब देखो हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अगर ये वाली क्लास होती, रेगुलर क्लास होती, पॉलिटी वॉलिटी होती, तो सीजीए वीजीए के बारे में डिटेल में बताता है ना। इसी तरीके से है भारत का कैट सीएजी, तो सीएजी तो बने हैं वही पुराने गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन सीजीए अभी तक थे दीपक दास, दीपक दास हट चुके, रिटायरमेंट हो गया। नए जो सीजीए बने हैं उनका नाम है सोनाली सिंह। तो आंसर तुम्हारा सोनाली सिंह के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा बच्चा। धन्यवाद धन्यवाद नवल, धन्यवाद धन्यवाद। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बताइए जल्दी से, इसके नए सीईओ कौन बने हैं। पहले आप लोग ये मुझे बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कब हुई थी। तो कहना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी फरवरी 2016 में। अब फसल को कह सकते हो कि जब आपातकाल आता है, भारी बारिश होती है, तो फसल नुकसान हो जाती है, तो उसका भी बीमा होना शुरू हो गया। ओके, फरवरी 2016 से। और इसके कह सकते हो कि नए जो सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है रितेश चौहान। वीआर चौधरी पता है एयरफोर्स के नए अध्यक्ष, विवेक पठानिया कुछ नहीं है, हाँ वीरेंद्र पठानिया लिखा होता यहां पर, अगर क्या लिखा होता, वीरेंद्र पठानिया, तो ये तुम्हारा चला जाता इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए अध्यक्ष हो जाते वीरेंद्र पठानिया। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ सीआईआई बताइए, सीआईआई का पूरा नाम यहां लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बताइए सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए रहे हैं, फटाफट बताइए। तो याद रखना पहले सीआईआई की स्थापना 1895 और मुख्यालय को पूछे भी बताओ सीआईआई का मुख्यालय कहां है, न्यू दिल्ली। अब इसके नए अध्यक्ष सुनिए किसे बनाया गया, तो सीआईआई के नए अध्यक्ष संजीव बजाज। संजीव बजाज का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 39 का आंसर जाएगा। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताइए 40वां नंबर, फटाफट पढ़िए, थोड़ा एक बार लाइट वाइट कर दीजिए बच्चा। ओके थोड़ा एक बार सब लोग दबा के शेयर करो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया। सर क्वेश्चन पूछते हो हम लोगों से बताने के पहले आप बता देते हो, चलो कोई बात नहीं, यह आंसर दीजिए सब लोग, मैं देखता हूं कि कितने लोग आंसर देते। 40 का मुझे सही आंसर चाहिए, बताइए पाकिस्तान के किस व्यक्ति ने अपने दूसरे सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया है, बताइए जल्दी से। अब इसका आंसर दीजिए 40 से, देखिए बी आया बी आया बी आया बी आया, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर जाएगा बच्चा बिल गेट्स के साथ। बिल गेट्स जानता जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, इन्हीं को द्वारा अपना हिलाल ए पाकिस्तान का अवार्ड मिला। थोड़ा कोई मुझे बताए ना, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई ये हमारा किससे, गूगल से, और एक और है सत्या नडेला। आप जल्दी से मुझे बताओ 2022 में इनको पद्म अवार्ड में से एक अवार्ड मिला है। अब आप जल्दी से बताइए 2022 के पद्म अवार्ड में से इनको कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण की विभूषण की पद्म श्री, जल्दी बताइए। अब यह आंसर दो सब लोग, हाँ बिल गेट्स इसका आंसर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा, उससे पहले चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात कर लेते, चमेली देवी जैन पुरस्कार बताइए जल्दी से। ओके तो सुनो बड़े ध्यान से, अगर बात चमेली देवी जैन पुरस्कार की करते हैं, तो यह पुरस्कार 1981 में मिला था, शुरुआत हुई थी मुंबई की सरकार देती है, और यह कह सकते हो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।
अब 2021 में ये जो अवार्ड मिला है ये आरिफा जौहरी को मिला है। आरिफा जौहरी को मिला है, इस बात को ध्यान रखना, चमेली देवी जैन पुरस्कार। और सबसे पहला चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला था नीरजा चौधरी को। नीरजा चौधरी का नाम बताइएगा। तो 2022 में आरिफा जौहरी को मिला है ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला। ये मोदी जी को भी मिल चुका है, शायद मोदी जी को कब मिला था, 2018 के आसपास मिला था, लेकिन 2022 में बताइए किसे मिला है। वैसे ये देता कौन है, तो कहना ये देता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ ये देता है। ओके अब 2022 में किसे मिला है, तो 2022 में अवार्ड मिला है सर डेविड को। सर डेविड का बस यार नाम याद रखिएगा, सर डेविड को मिला है ऑप्शन नंबर सी। 1895 ही है। अच्छा चलो मैं एक बार चेक कर लूं रे बच्चा, 1895 ही है। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि 1895 की 1995, कोई बात नहीं मैं एक बार देख लूंगा। अरे बताओ अप्रैल 2022 में किस टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। वैसे आपको बता दे अभी भारत में एक व्यक्ति थे जिनको बेस्ट वास्तुकार का अवार्ड मिला, और ये अवार्ड दिया है ब्रिटेन की सरकार ने। ओके अब वो वास्तुकार कौन थे, तो कह देना बाल कृष्ण दोषी को बेस्ट आर्किटेक्टर का अवार्ड मिला है, आर्किटेक्चर का। ओके लेकिन बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट मिला है ये मिला है तुम्हारे अटल सुरंग को। ये तुम्हारा रोहतांग दर्रे में पाई जाती है, और ध्यान रखना इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। बोलो तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, ये अवार्ड और बालकृष्ण दोषी दोनों अवार्ड याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2044 बताइए जल्दी से। एनएसए क्या होता है? है बहुत नाम सुना होगा, जब वो जम्मू कश्मीर में दंगे संगे चलते हैं, एनएसए सुना है नहीं सुना? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो हमारे हैं अजीत डोभाल, लेकिन इन्होंने पूछा है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। डिप्टी मतलब उससे थोड़ा सा नीचे वाले, तो डिप्टी कौन है, तो कह देना डिप्टी है विक्रम मिश्री। तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री है ऑप्शन नंबर ए। सी मत लगाइए बच्चा, सब लोग सी 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 लगा रहे, सी नहीं है, सही आंसर ए है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं। फटाफट जल्दी बताइए, पूरा नाम सुनिए, DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। अब सुनो, सैन्य के अध्यक्ष कौन बने, मनोज पांडे, उपाध्यक्ष कौन है, BS राजू, और DGMO कौन बने हैं, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक है मनोज कुमार कटियार। ओके तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा, मनोज कुमार कटियार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, बहुत सालों तक। अच्छा सेबी का पूरा नाम क्या है, तो कहना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में स्थापना हुई है, लेटे दारकना काम करने की शुरुआत 92 में। मुख्यालय कोई पूछे सेबी का कहां है, कहना मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में। अभी तक इसके अध्यक्ष थे अजय त्यागी, लेकिन अजय त्यागी हट जाने के बाद पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की माधवपुरी बूच। तो माधवपुरी बूच का तुम्हें नाम याद रखना है। अच्छा इन्होंने एक एप्लीकेशन अभी चलाया था, बड़ा ही फेमस हुआ था वो एप्लीकेशन, उसका नाम क्या था, सारथी। तो तुम्हें पूछे सारथी नाम का एप्लीकेशन या ऐप कौन चलाया था, तो तुम्हें बताना है सारथी नाम का ऐप, ये हमारा सेबी ने ही चलाया था। ओके सारथी नाम का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। बस एक बार और सब लोग सेशन को शेयर कर दो लास्ट में जाते जाते, ताकि जल्दी से 400 का आंकड़ा भी क्रॉस हो जाए। एक बार दबा के सब लोग शेयर कीजिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे मिला, इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड। बड़ी अच्छी बात कही, और जल्दी बताइए ये किसे मिला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला है दारकना। अच्छा पहले आप लोग भी आंसर दो 47 का, मैं देखूं कितने लोग सही आंसर देते हो। बताइए राघवेंद्र, MD साजिद, सौम्या, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से इसका आंसर दीजिए और बताइए सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए।
तो अंतरराष्ट्रीय साइसी महिला पुरस्कार मिला है रिजवाना हसन को। अब ये रिजवाना हसन कौन है, तो कहना ये महिला है तुम्हारे बांग्लादेश की, बांग्लादेश की। हालांकि आपको एक बात पता है, बांग्लादेश आजाद हुआ था 26 मार्च 1978 में और 2021 में इसकी आजादी के पूरे के पूरे 50 साल पूरे हो चुके। इसी दौरान अपने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश में जाकर एक काली मंदिर का उद्घाटन भी किया था। तो आंसर तुम्हारा जाएगा रिजवान हसन के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, अप्रैल 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला, जल्दी बताइए इसका आंसर। 31st सरस्वती सम्मान, जल्दी से बताइए ये किसे मिला है। अच्छा, जब भी कभी सरस्वती सम्मान की बात आएगी तो कहना इसकी शुरुआत 1991 में होती है, शुरुआत की थी टेटे बिल्ला फाउंडेशन ने। और सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला, तो कहना अमिताभ बच्चन के पिताजी जिनका नाम था हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अब देखो सरस्वती सम्मान 2021 वाला किसे मिला था, तो 2021 वाला मिला था सरन कुमार को। इनकी एक मराठी भाषा में लिखी गई रचना थी जिसका नाम था सनातन। सनातन किस भाषा में लिखी गई थी, कहना मराठी भाषा में लिखी गई थी। ओके, ले 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है, कहना रामदास मिश्रा को। और इनकी रचना है, कविता का एक संग्रह है, वो संग्रह है मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं। ओके, तो ये इनकी कविता का संग्रह है जिनके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है 2022 का। तो आंसर सी है, आंसर कौन सा है, सी है। सरन कुमार को 2021 में मिला था, 2022 वाला पूछा गया बच्चा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट। ओके, थोड़ा एक बार लाइक वाइक कर दीजिए भाई, हाँ दबा के शेयर कीजिए। सौम्या विवेक, वेरी गुड वेरी गुड। मधुसूदन, सौम्या, रामचंद्र, मुराल, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसे मिला। वर्किंग वुमेन का मतलब जो बुढ़ापे में भी काम करे है। अब बुढ़ापे में इस समय पता है कौन काम कर रही है, उनका नाम है सुष्मिता सेन। अभी इसकी एक कह सकते वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था आर्या टू। तो आर्या टू के लिए याद रखना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड मिला है सुष्मिता सेन को। शायद अभी तक शादी नहीं हुई, शायद नहीं हुई, मुझे ज्यादातर याद आ रहा है अभी तक शादी नहीं हुई है ना। मैं करंट अफेयर के बारे में बच्चा सोचता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग पूरी तरीके से सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे और टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे आज देखो मैंने मेनली अवार्ड के क्वेश्चन लिए हैं और मेनली जो क्वेश्चन लिए थे वो क्वेश्चन लिए थे हमारे नए नियुक्ति ने। क्लास कैसी लगी, मजा एक नहीं आया, 50 क्वेश्चन के बाद एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप लोग रुक लिए, बस रुके रहिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल अवार्ड 2022 कितने बच्चों को दिया गया। अब इन्होंने 2022 पूछा है, तो 2022 में ध्यान रखना यह अवार्ड मिला है 29 बच्चों को। 2021 में पूछा जाता तो मिला है 32 बच्चों को। ओके, और सुनिए, यह अवार्ड दिया जाता है बालिका दिवस यानी 24 जनवरी को, 24 जनवरी बालिका दिवस के अवसर पे। ओके, अब चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। आपको आपको बता दे फिर से मैं एक बार वो करा दूं, अभी शाम के 5 बजे ग्रुप डी के लिए बहुत ही स्पेशल एक क्लास लगने जा रही है। और ये क्लास में देखो साइंस, जीके और मैथ, इन सभी को मिला के जो 70 क्वेश्चन आने हैं उसका एक मिक्स पैटर्न पे क्लास होने जा रही है। बड़ा मजा आएगा, आप लोग आइएगा, इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें अनुराग सर मिलेंगे जो कि मैथ के क्वेश्चन आपको देखेंगे और मैं आपको जीके और साइंस के सारे क्वेश्चन। चलिए मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं। विवेक कुमार जी कह रहे हैं सर टॉप 8000 क्वेश्चन प्लस स्टेटेड जीके ग्रुप डी के लिए तैयार करा दीजिए। मैंने कहा तो बच्चा यही तो मैंने यही तो बोला कि मैं आपको टॉपिक क्वेश्चन करंट अफेयर के सॉल्व करा दूंगा। ओके, अब स्टेटेड जीके जीके का पोर्शन तो वैसे भी चल रहा है वहां पर, लेकिन 20 ऐसे टॉपिक है जिनको मैं डेली लाकर करंट अफेयर का सॉल्व जरूर करा दूंगा। ओके, चलिए और पूछिए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, उसके साथ साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये क्लास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए एक कह सकते हो कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म रेलवे पाठशाला। ओके, तो जिसमें मैं और अनुराग सर आपके मैथ और जीके साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए नमस्कार, मिलते हैं भाई शाम के 5 बजे। सर मेरे में फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा। अरे कैसी बात कर रहे हैं, देखो
अभी ग्रुप डी का बच्चा फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, फ्री लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, आप लोग जाइए एप्लीकेशन पे उस मॉक को जरूर दीजिए। ये मॉक टेस्ट कैसे देना है, देने के लिए कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन यानी वहां जाइए, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला को डाउनलोड कीजिए, और माई पाठशाला को डाउनलोड करने के बाद आप नीचे मॉक टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना, उधर ग्रुप डी आपको मॉक टेस्ट नजर आ जाएगा। ग्रुप डी ना दिखे तो एसएससी को हटाकर रेलवे पहले सेलेक्ट कर लेना, जब रेलवे सेलेक्ट कर लोगे तो ग्रुप डी मॉक टेस्ट देते जाइए। बहुत अच्छा पैटर्न है यार, अभी तक मैंने देखा कि मैक्सिमम जो नंबर आज लूडो के आया है वो 75, बस इससे ज्यादा तो किसी ने बढ़ा ही नहीं, ये आज का टॉप स्कोर है। चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी बच्चा, ठीक है, आकाश टेलीग्राम ऊपर शेयर कर दो, ओके धन्यवाद।